तेरे
हाथों खोले रहते उस परमेश्वर को महिमा दे। कहे कि परमेश्वर तूरे परमेश्वर तेरे छूने से खुदावंद हमारे जीवन में जो परमेश्वर जलाल पाया गया है खुदावंद उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नाचते हुए वो कूदते हुए उस खुदावंद की महिमा करें, वो दाऊद को याद करें जिस तरह दाऊद परमेश्वर की महिमा करता है। आइए उस खुदावंद की वैसी महिमा के साथ एंटर हो जाए। ओ परमेश्वर आज मेरी और आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए तैयार है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू। Oh,
चाहते हैं तो आज उसको वर्शिप करो, उसको याद करो कि आपके जीवन में उसने क्या किया। उस परमेश्वर ने आज आपके लिए क्या योजना बनाई है, उसको देखने के लिए तैयार करो अपने आप को। करो वर्शिप अपने हाथ को उठाते हुए पूरी आजादी के साथ में। मैं चाहता हूं हर जन वर्शिप करे पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से, आत्मा में अपने आप को तैयार करते हुए। सभी अपने आंखें बंद रखते हुए अलर्ट होकर के आराधना करो। सभी अपने हाथों को उठाओ, सभी अपने हाथों को उठाते हुए। ओ जीसस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हम। उस पवित्र आत्मा का स्वागत करो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम। बोलो मैं आज आपका स्वागत करता हूं, करती हूं पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपकी उपस्थिति में यहाँ हूँ। हो होली स्पिरिट, आपका स्वागत है यहाँ पर, आपका स्वागत है। हालेलुया। होली स्पिरिट, आपका स्वागत है। बोलो बोलो अपने मुंह को खोलते हुए, आपका स्वागत है। हालेलुया। Holy Spirit, Holy Spirit, welcome, welcome. Oh, aapka swagat hai yahan par. Namaste, rekhe bana. Holy Spirit, welcome, welcome, oh, welcome, welcome. एक ताजा, एक महिमा वाला। हालेलुया। ओ अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे, तेरे रूप से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूप से कि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, आपको हम स्तुति करते हैं। हम जानते हैं हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, तू सब कुछ है हमारे लिए। सभी घुटनों में आ जाए और बैठें, अपने हाथों को उठाएं। आज ये आप आए नहीं है, आपको लाया गया है। पवित्र आत्मा आपको लेकर के आया है, जिस मकसद के लिए आपको वो लेकर आया है उसको देखने के लिए तैयार हो जाओ। अपने हाथों को उठाते हो, कहें परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं आपको महिमा देने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए मुझे आज जांच परमेश्वर, मुझे देख परमेश्वर, मुझे देख आज परख परमेश्वर। मैं चढ़ी जावा जे आसमां ना दे उते उते चढ़ी जा माजी।
सभी अपने हाथों को उठाते हुए, अगर कोई यहाँ पर बीमार भी आए हैं, आज उसे उसे चंगाई पाकर जाना है। ये आपका फेद है, ये आपका विश्वास है, लेकिन इसकी शर्त ये की है, आपको देखना होगा अपने आप को। जो बीमारी आई वो पाप के कारण आई है। जो दुष्ट आत्मा ने किसी को बांध के रखा है वो पाप के कारण है। शैतान की जो योजना है वो इसलिए है कि कई लोग भटक जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए करो आराधना, प्रभु मुझे आज बना अपना पवित्र स्थान, मुझे बना अपनी महिमा के लिए। आज परमेश्वर किया है। जो कोई अपने पापों को मानेगा और मेरे महिमा को देखना चाहेगा वो आज अपने पापों को माने और महिमा को देखो। छुटकारे की सामर्थ आपके परिवारों में, आपके जीवन में आज घोषित की जाएगी प्रभु की आत्मा के द्वारा। जो आज ये देख रहे कि मेरे जीवन में जो पाप है, गुनाह है, प्रभु मुझे उससे आजाद करो, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में पापों से आजाद करने के लिए आया है।
Yes, Lord. मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। यीशु वो पूरा किया जाएगा आज के बाद। परमेश्वर को महिमा करो। और जोसेफ
और छोश आज हिला दो शैतान को, उसकी सामर्थ को तोड़ दो आज। आज बीमार का मैं चंगा हो चुका हूं। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो विश्वास करेगी आज परमेश्वर आजाद कर रहा है। आपके जीवन में एक अलौकिक काम होगा। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आजाद करने के लिए यहाँ आया है। वो आपकी शुद्धि लेगा, वो आपको महिमा से भरेगा। आपके लिए एक योजना बनाई गई, आप उस अभिषेक में जिए, उस अभिषेक में जो अभिषेक सारे जीवों को तोड़ सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी आजादी से उसको महिमा देते हुए, तालियों के साथ आवाज उठाते हुए, हालेलुया। रिखा रबा बाबा ला रबा सेंदर रे बलेर, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आपका स्वागत है यहाँ पर। यस, इन्ना नमः कसा कोतर रगे रे बले, होली स्पिरिट, आपका स्वागत है यहाँ पर। इन्ना मसा कोतर रगे रे बले, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, यस, होली स्पिरिट, यस। Oh yes, Amen, Amen. एक बार जोर से बोल दीजिए Hallelujah, Hallelujah. तो समय है अब हम प्रभु के वचन से बात करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ आप आए हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दें। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तब समूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सलेह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन यहूदियों को तू ढूंढने गया था वे, जो जिन गदियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं, और सुन, तेरा पिता बहन इनकी गवाही है। बहन जी अपना नाम बताएंगे। क्या नाम है आपका? अंगूरी दे। आप कहाँ के रहने वाले हो? ऊना से हैं। हाँ जी, तो इस बहन की गवाही है, ये बताने में थोड़ी शर्म करते हैं, मुश्किल से यहाँ भी खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्य इनके जीवन में हुआ है, तो उसकी गवाही तो देनी पड़ती है, क्योंकि तभी परमेश्वर के कार्य आगे भी होते हैं। तो इस बहन की गवाही ये है कि ये जो इनके साथ खड़े हों, इनकी मम्मी हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ बस स्टैंड में रहते हैं। तो कुछ समय पहले इनकी बेटी के ऊपर, जो अंगूरी सिस्टर है, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक हो गया था। तो उस कारण इसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि ये बहुत, जैसे खेल भी इनको आती थी, धूमधाम करती थी। तो हम बहन मीरा से ही सुनेंगे क्या क्या होता था इस बेटी को। ये बिल्कुल पागल ऐसी हो गई थी। हाँ जी, और क्या होता था? और मतलब उधर डॉक्टर को दिखाया जाके, बड़े हॉस्पिटल में इसको भर्ती किया जाके, बुखार बन गया था, और दुष्ट आत्मा तो इतनी तंग करती थी कि बिल्कुल ये कपड़े भी उतार देती थी। हाँ जी, तो उधर यूपी में इसको, इसको जैसे बाबा लोग बोलते हैं, उनको मंदिर में ले गए, इसको दिखाया जाके, बहुत इलाज करा इसकी, नहीं कहीं से फर्क पड़ा। तो मैंने इसके ससुरे भाई, इसके ससुराल वालों को मैंने बोला, मैंने कहे तो मेरी लड़की को ठीक करा दो, अब नहीं तो मेरे पास दो, मैं अपनी बाप इस लड़की कर लेंगे, मैं इतनी लड़की की कैसे हालत देखेंगे। कभी बिल्कुल पागल हो जाती थी, कपड़े सारे उतार देती थी। जब एक बेटी की हालत ऐसी हो तो सभी माँ बाप है, आप जान सकते हैं आपकी स्थिति कैसे बनती है।
तो ये बहन बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन ये परमेश्वर को जानते थे, इन्हें विश्वास था। इन्होंने ससुराल वालों के साथ दावा देकर बोला कि मैं अपनी बेटी को ठीक करवाऊंगी, आप नहीं कर सकते तो यहाँ भेज दो। जब इस बेटी को यहाँ लाया गया तो आपने भी देखा होगा हॉल में इधर उधर बहुत धूमधाम कर रही थी मेरी बेटी। इसके बस में नहीं था, इस पर दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था। जब पास्टर जी इसके लिए प्रेयर कर रहे थे तो जब उस दुष्ट आत्मा इसके ऊपर प्रकट हो गया एकदम से, फिर पास्टर जी ने पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है और क्या करना चाहता है। तो वो वीडियो तो नहीं है पर हम लोग साथ ही थे, तो उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि मेरा नाम ऐसा है, उसने नाम लेकर बोला कि मेरा नाम वो है और मैं इसको मारने आई हूँ और इसके बच्चे को भी खाने आई हूँ। सच है मेरा सिस्टर जी, ऐसा ही हुआ था, ऐसा था। हाँ जी, तो उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इसकी जान लेके ही छोड़ूंगी। लेकिन जब पास्टर जी ने दुष्ट आत्मा को डांटा, इस लड़की के लिए प्रेयर किया, तो उसी दिन से ये बेटी ठीक है। हाँ जी सिस्टर जी, बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने कितने सुंदर अच्छे बच्चे दिए इसको। आज दोनों, आज कितना समय हो गया आपकी बेटी ठीक है? 3 साल हो गए। आप बिल्कुल ठीक है? आपके बच्चे सब कुछ? बच्चे ठीक है, हमारे हस्बैंड को पथरी हुई है, वो नहीं ठीक रहते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तो भी ठीक है बिल्कुल। हम ठीक। आप कैसे ठीक हुए? हम इधर ही चर्च में आके ठीक हुए। हाँ, तो जब पास्टर जी के लिए ने आपके लिए प्रार्थना किया तो उसके बाद ही आपने चंगाई को पाया। हाँ जी। अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। तो इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू सिस्टर जी, आप जा सकते हैं। एक गवाही है सियान से, भाई जी जल्दी से आगे आएंगे। जी भाई जी, आपका नाम? सब कुछ एमसी की। मेरा नाम बीआरी लाल है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सियांज से रहने वाला हूँ, गोर सियांज। जी, तो आपने अपनी गवाही में बताया कि कुछ समय पहले आप बहुत बीमार थे, आपका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, आपसे उठा बैठा नहीं जाता था, तो आप बता सकते हैं क्या क्या समस्या थी आपको? जी, मैं तो सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु ने अब तक मुझे जीवित रखा, संभाल के रखा, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरे जो टांगें और पूरे शरीर में मतलब सोजिश आ जाती थी और मेरे को डॉक्टर ने गठिया बताया था, भाई इसको गठिया हो गया है, और मैंने बहुत सा इलाज किया गठिया का, शिमला से किया, मंडी से किया, मंत हॉस्पिटल से किया, बाकी और जगहों से भी मैंने बहुत इलाज किया इसका, पर मुझे कोई भी फ़र्क ना पड़ा। फिर मुझे प्रभु के बारे में मेरी साली ने बताया कि आप वहाँ जाओ और आप वहाँ ठीक हो जाएंगे। मैं विश्वास नहीं करता था, मैं उनका पहले से ही विरोधी था, मैं उनका पहले से ही विरोध करता था क्योंकि बहुत पहले से जानते थे परमेश्वर के बारे में, पर मैं नहीं जानता था, मैं बहुत विरोधी था, मैं उनका मजाक भी बनाता था और उनको डांटता भी था। मैं बोला क्या करेगा तुम्हारा प्रभु, कैसा प्रभु जो मुझे चंगा करेगा, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं अपना धर्म नहीं बदलता हूँ, मैं आप तो आपने तो अपना धर्म बदल लिया, मैं अपना धर्म नहीं बदलता हूँ, क्योंकि मेरी सोच यही थी, क्योंकि मैं इतना ही समझता था कि मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, क्योंकि प्रभु का तो मैं पहले ही विरोधी था। और फिर जब थक हार गया मैं हर जगह से, बोलते बोले मरता तो क्या नहीं करता, क्योंकि मैं फिर उसके बाद क्या हुआ जी, मुझे मैं बोला चलो मान लेता हूँ, मेरे लड़के ने भी बोला, बीबी ने भी बोला कि भी एक बार तो देख लो, मैं बोला चलो इनके लिए मैं एक बार देख लेता हूँ। फिर मेरे लिए प्रार्थना की पास्टर जी ने, मेरे को मेरा काम करता हूँ धनोटो में, वहाँ कमरे में बुलाया पास्टर जी को, और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना की, अभिषेक की प्रार्थना की, तेल के द्वारा प्रार्थना की, पास्टर जी ने वो तेल दिया कि इसको लगाया करो भाई जी और आप जो है संगति में आया करो, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे विश्वास तो हुआ नहीं पर मैं चलता रहा। फिर उसके बाद मैं तीसरे दिन 15 अगस्त को 2017 को हुई थी,
मेरे कमरे में मेरे लिए प्रेयर, और उसके बाद जो मैं 3 दिन के बाद प्लान बनाया था पास्टर जी ने कि हम नीचे जाएंगे खामरा चर्च में, अंकरोला नरोला की चर्च में जाएंगे, तो मैं वहाँ भी गया और वहाँ भी अभिषेकित तेल की प्रार्थना थी, तो उन्होंने तेल दिया लगाया। जब जैसे बोलते हैं हमारे पास्टर जी बोलते हैं कि उठो बैठो, वो मैं बोले ये ड्रामा ही है सारा, वहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं, मैं बोले ये नहीं ये तो ड्रामा ही है, अब क्या करूँ। आ गया घर में और पाँव इतने फूले हुए, और चप्पल डाली थी मैंने वो चप्पल में नहीं आती थी, उस पाँव मतलब पाँव में चप्पल भी नहीं आती थी। फिर धीरे 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 मैंने यहाँ आना नहीं छोड़ा, मैं हर संडे आता रहा, और फिर मैं खुद मूर्तियों का काम भी करता था, अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाता था मैं पत्थरों की, और पूरी मतलब अपनी हाइट हाइट के बराबर मैंने मूर्तियाँ बनाई है, और हिमाचल में कम से कम 6-7 डिस्ट्रिक्टों में मेरी मूर्तियाँ गई है, और मैं अपने हाथों से तराशता था उनको। फिर जब मैंने उनके लिए भी बड़ा किया, मैं बोले मूर्तियाँ भी साथ दे रही है, मैंने छोड़ दिया फिर सब कुछ, वो मूर्तियाँ जो मैंने घर में अपने हाथों से बनाई थी वो भी मैंने जलपहार कर दी, और फिर मैंने प्रेर रखी पास्टर जी ने के द्वारा अपने घर में। उसके बाद मुझे धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा, और मैं 6 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, और 2018 में मैंने बपतिस्मा लिया, और पास्टर के द्वारा मैं बिल्कुल चंगा हुआ, और परमेश्वर के द्वारा मैं बिल्कुल चंगा हो गया। और आज मुझे पास्टर जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब पहली बार उन्होंने मेरे कमरे में प्रेयर की थी कि भाई आप भाई जी प्रभु के, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा अपनी सेवा के लिए, तो आज मुझे परमेश्वर की दया से सेवा मिली है। आप सब भाई बहन जानते हैं क्योंकि यहाँ मेरी ब्लाइटेड की सेवा है, और आज मुझे प्रभु ने बिल्कुल चंगा भी किया, और मैं भी बिल्कुल चंगा हूँ आज से, तब से बाद मैंने आज तक कोई भी गठिए की दवाई नहीं खाई, बाकी जुकाम बुखार की तो चलती रहती है बीच में, पर ये गठिए की दवाई मैंने आज तक नहीं खाई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बचाया और मेरी फैमिली को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक और गवाही को सुनेंगे, एक भाई है बस स्टैंड से, वो आगे आएंगे। भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान दास है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला शाहजहांपुर यूपी के रहने वाले हैं जी। तो आपने अपनी गवाही में बताया कि कुछ समय पहले आप एक बीमारी से ग्रसित हो गए थे, मतलब बहुत खतरनाक, और आप बेड पे ही थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, तो आपको क्या हो गया था? सबको पहले जय मसीह की, मुझे टीबी की शिकायत हो गई थी, फिर उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया, फिर मेरे भाई और भाभियों ने यहाँ से प्रेयर करवाई माता ने, तो मैं पास्टर जी की वजह से यहाँ अब ठीक हूँ बिल्कुल। ये भाई जी थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको ये बीमार थे, यूपी में रहते थे, उस समय इतनी हालत इनकी ख़राब थी कि ये बेड पे लेटे रहते थे, ना इनसे उठा जाता था ना बैठा जाता था, ये बात भाई जी सच है? जी जी। हाँ जी, तो हमारे चर्च में एक बहन आते हैं बस स्टैंड से, उनका यही विश्वास है, जैसे गवाहियाँ आप सुनते हैं बस स्टैंड से जितने भी, तो सबको उस बहन ने ही सुसमाचार दिया है। उनका विश्वास है कि कितनी लंबी बीमारी हो, कोई भी दुष्ट आत्मा का केस हो, उनका विश्वास है कि एक बार परमेश्वर के भवन में ले आओ तो ठीक हो जाएंगे। तो उस बहन ने इस भाई को फ़ोन किया, और फ़ोन करके उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी बीमारी है, जब डॉक्टरों के पास ले जाया गया इनको, तो इनको रिपोर्ट में टीबी बताई गई। तो फिर बहन जी ने पास्टर जी को फ़ोन किया कि पास्टर जी एक लड़का है यूपी में ऐसा बीमार है, आप उसके लिए प्रेयर करना। तो बहन ने फ़ोन किया और पास्टर जी की बात इस भाई जी से फ़ोन पे कराई, है ना भाई जी? हाँ जी। तो फिर पास्टर जी ने यहाँ से ही, ये भाई यूपी में थे, इनके लिए प्रार्थना की, और थोड़े समय बाद ये भाई जी ठीक हो गए। जब डॉक्टरों के पास फिर दिखाने के लिए गए तो इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अब आप बिल्कुल ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। तो आपको किसने ठीक किया? मुझे प्रोफेसर ने ठीक किया।
हाँ जी, तो देखो परमेश्वर के चमत्कार। जब पास्टर जी यहाँ से ही फोन पे यूपी में जो भाई रहते हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर चंगाई को ले रहे हैं। तो कितना महान और सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है, क्या परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे? हालेलुया। अगली गवाही है, एक भाई जी हैं साइगलू से, उनकी पत्नी भी आगे आ जाएंगे जल्दी से। ये भाई जी, इन्होंने बता दिया ये साइगलू से रहने वाले हैं और इनकी पत्नी है। बहन जी आपका नाम? गीता देवी। हाँ जी, गीता देवी। हाँ जी, तो ये गवाही इन बहन जी की है। थोड़े समय पहले ये बहन जी कुछ दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गए थे और इनकी हालत जो है पागलों की तरह हो गई थी। ये खुद को भी नहीं पहचानते थे और अपने परिवार को भी। तो उस गवाही को हम भाई जी से ही सुनेंगे क्योंकि बहन तो नहीं जानती इनकी हालत कैसी हो गई थी। भाई जी आप बताएंगे सिस्टर को क्या क्या होता था। 2009 की बात है, तो इसको दुष्ट आत्मा ने बहुत परेशान किया। मैं जहाँ जहाँ लोग बोलते गए मंदिरों में ले जाता गया और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा मंदिर में। एक बार तो मंदिर में जो पुजारी पुजारने होते हैं ना जी, उन्होंने उसके बाल पकड़े बड़े ज़ोर ज़ोर से और मैं भी मंदिर में रो गया उस दिन। उस दिन के बाद मंदिर में जाने को दिल नहीं किया, भी नहीं जाएंगे। तो उसके बाद बहुत जगह ले गया मैं। 2009 की बात है, 60-70 हज़ार रुपये खर्च हुआ उस टाइम पर, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने एक दिन अपने ससुराल वालों को बोला, भाई पता नहीं अब मर जाएगी क्या होगा, तो भैया आप यहाँ आ जाओ। तो मेरे ससुर जी आ गए शाम को ही और मेरे जीजा जी बड़े उधर उनके बेटे, उनको मैंने बोला भाई क्या करें हम, सब कुछ कर बैठे भाई। तो उन्होंने बोला भाई चर्च में जाओ आप। हाँ जी, तो आपने ये भी बताया कि आप एक जगह उन्ना में इनको लेके गए थे, वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा जी। हाँ जी, तो वहाँ भी ये ठीक नहीं हुए, नहीं बहुत जगह आपने दिखाया। हाँ जी, और आप इनकी बीमारी के कारण बिल्कुल थक चुके थे। थक चुके थे। जब आपको चर्च में बताया गया कि आप इनको जो है चर्च में ले जाओ, तो आपने इनको चर्च में लाया और इनके लिए प्रार्थना करी। शुक्रवार का दिन था, उस दिन पहले दिन हम चर्च में गए, तो थोड़ी देर प्रेयर हुई, फिर हम घर चले गए। फिर शनिवार को दोबारा आए तो दोबारा प्रेयर हुई, फिर संडे को प्रेयर थी। उस दिन वो दुष्ट आत्मा जो है तो बड़े चिल्ला चिल्ला करके निकला इसके अंदर से और वो बोल के गया भाई मैं दूसरी बार कभी नहीं आऊँगा इसके अंदर। तो उस दिन से हमें विश्वास हुआ परमेश्वर पर। उसके पहले तो हम मजाक ही करते थे ना जी। मेरे ससुर जी ने सुसमाचार मेरे को 2002 या 2003 में दे दिया था, पर हम लगे रहे शराब शुरू पीने में और मजाक बनाते थे उनका। पर जब ये ठीक हुई चर्च में बिना पैसे से, 3 दिन में ठीक हो गए, तो उसके बाद मुझे पक्का विश्वास हुआ कि है परमेश्वर। तो आप इस बहन के आंसू ही देख सकते हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हम भी इसी परिस्थिति से गुजरे हैं। अगर घर में कोई भी किसी की भी ऐसी हालत हो जाती है तो सबको परेशानी होती है, लेकिन ये बहुत जगह गए, थक चुके थे, लेकिन बहन कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने इनको परमेश्वर के बारे में बताया, चर्च में लाए और इनके लिए प्रार्थना की गई, और तब से आज तक बहन बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें अब कोई अटैक नहीं होते, ये बीमार नहीं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। और गवाही तो बहुत पुरानी है, लेकिन भाई जी ने पिछले संडे इनको अगवाई हुआ कि गवाही देनी है, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, जो परमेश्वर ने कार्य किया उसको बोलना है। और फिर 2009 से भाई जी विश्वास में थे, लेकिन फिर से बीच में कुछ शैतान के अटैक हुए, गड़बड़ियाँ हुई और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए, मंदिरों में जाने लगे दोबारा ना जी। हाँ जी, तो उस समय जब जो भी भाई जी बिजनेस करते थे, काम करते थे, इनको जो है अपने बिजनेस में 3 बार लॉस हुआ, मतलब घाटा हुआ। जैसे आगे बढ़ते थे तो एकदम से शैतान के अटैक होने और पीछे हट जाते थे। तो उसमें थोड़ा सा भाई जी आप बताएंगे आपको क्या क्या हुआ था आपके बिजनेस में। बिजनेस में पहली बार 3.5 लाख रुपए का घाटा हुआ था।
और दूसरी बार जब मैं गिरा तो 7 लाख का घाटा हुआ था, तो अब इस बार तीसरी बार 15 लाख का घाटा हुआ है। पर परमेश्वर की मतलब जैसे हम चर्च में आते भी नहीं थे तब भी मैं प्रेयर दिन में एक बार जरूर करता था, मंदिरों में भी जाते थे फिर भी प्रेयर में करता था। देखो तो, शैतान ने इनको कैसे भटका दिया था। मंदिरों में मतलब इधर उधर तो जाते थे, लेकिन इनका एक विश्वास था कि जो परमेश्वर है वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो ये भाई जी एक ना एक बार दिन में जो है प्रेयर करते थे। फिर हमारी इकलिसिया के कुछ बहनें हैं, उन्होंने इनको फ़ोन किया, फिर से प्रभु के बारे में बताया कि भाई जी आप उसी प्रेम में वापस आ जाइए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर आज दोनों पति पत्नी चर्च में आते हैं, लगातार आ रहे हैं। तो अब कितने समय के बाद आप भाई जी वापस आए? 6-7 साल के बाद आए। अब कितने महीने हो गए आपको लगातार आते हुए? 3-4 महीने हुए होंगे जी अभी। अब जो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? अब सब कुछ मतलब परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया हुआ है, सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। मतलब जैसे पहले उन्नति नहीं होती थी, पहले अवनति होती थी, अब उन्नति की ओर हो रहा है सब। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और एक बहुत बड़ी गवाही और है, बीच में 24 दिसंबर की बात है, बात है 1 साल की, जैसे 2-3-4 साल पहले की बात है। तो हमारे गांव से कुछ लोग बच्चे जा रहे थे घूमने के लिए ना जी, परासर के लिए टूर बनाया हुआ था। तो 24 दिसंबर की बात है, तो जैसे मैंने अपने हमारे घर से भी जा रहे थे तीन चार आदमी, तो परमेश्वर ने कुछ मेरे अंदर डाला भाई, मैंने उनको इनकार की कि भाई आप नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ हुए, कल 25 दिसंबर है तो चर्च को जाएंगे। तो वो मान गए। तो दूसरे दिन वो गाड़ी जो जा रहे थे वो चले गए बेचारे सारे ना जी, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक लड़की तो मर गई, बाकी घायल हुए पूरी तरह। पर वो हमारे परिवार वाले, उन्होंने मेरी बात मानी, परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा हो, और वो बच गए सब। तो भाई जी का कहने का मतलब है कि जैसे हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में गिर जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने एक बार हमें चुन लिया है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें कभी नहीं भूलता। तो भाई जी परमेश्वर के प्यार से थोड़ा दूर थे, लेकिन इनके मन में ऐसा डाला कि आप मत जाओ, और इन्होंने अपने परिवार वालों को भी मना किया। अगर ये उस दिन चले गए होते तो आज हमारे बीच में खड़े ना होते। तो परमेश्वर की महिमा कीजिए जोर से तालियों के साथ। ठीक है, तो एक छोटी सी सूचना है। हालेलुया। हम कुछ समय पहले से मतलब 1 महीना से देख रहे हैं कि जब हम बाहर जो अपने जूते उतारते हैं ना, कई लोग पता नहीं जानबूझकर कर रहे हैं कि गलती से किसी और के ही जूते ले जा रहे हैं। 2-3 बहनों के गुम हो गए, हम ऐसे बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन पिछली एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ। अगर